नमस्कार दोस्तों, इस बार हम लोग बात करने वाले हैं डब्लू पी प्लगइन्स को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इंस्टॉल करना है दोस्तों। हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डब्लू पी प्लगइन्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो कैसे मिले, सब रीजन्स मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने दो तीन वेबसाइट खरीदी है, इसमें से मैं हेल्थ इस वेबसाइट को यूज़ करने वाला हूँ, हेल्थ हॉलीडेज के ऊपर। इसी के ऊपर मैं अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल करूँगा और अप्लाई करूँगा। दोस्तों देखिए, मेरा ऑफ ऑन हो गया वेबसाइट। दोस्तों मैं देख लीजिए, मेरा ऑफ ऑन हो गया मेरा वेबसाइट। मैं आपको अपना वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ कि ये सब क्या है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे। दोस्तों ये सब मैं वन टाइम में कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ आपके सामने। दोस्तों मैं आपको डब्ल्यू पी प्लगइन्स के बारे में पहले बता देता हूँ। ऐसा प्लगइन्स है जो आपको ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट पे कोई भी चीज़ को कंटिन्यू प्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि अगर आपको न्यूज़ वेबसाइट बनाना है या अमेजोन का एफिलिएट साइट बनाना है, तो ये प्लगइन्स बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। ये प्लगइन का साइट देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको। इसका प्लगइन का चार्जेस है $30 जब इसको आप बाय करोगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और आपको दोस्तों पहली बात तो ये प्लगइन्स में आपको फ्री में दूंगा, कोई टेंशन नहीं, आपको ये मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ फ्री रहिए। लेकिन पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि ये प्लगइन्स आपको कैसे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चलो मैं आपको प्लगइन्स का पहले दिखा देता हूँ। हाँ चलिए, पहले प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मेरा वेबसाइट है, प्लगइन्स को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। एड न्यू प्लगइन्स, अपलोड प्लगइन्स। दोस्तों जैसे से मैं कह रहा हूँ वैसे आप फॉलो कीजिए, चॉइस फाइल करना है। ये दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ प्लगइन्स कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए डब्ल्यू पी प्लगइन्स, इसको मैं ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए। मैं इसको यहाँ पर डब्ल्यू पी प्लगइन्स को ऐड कर चुका हूँ, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मेरा साइट है, आपको देख लीजिए, तब तक प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। ये मेरा साइट है हेल्थ एंड हॉलीडे मार्केट, कुछ ऐड नहीं है, सिर्फ इसको नॉर्मली मैंने ऐसे ही बनाया है आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि ये प्लगइन कैसे यूज़ किया जाता है। अभी इस पर कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ धीरे धीरे। देखो दोस्तों, अब एक्टिव प्लगइन्स कर देता हूँ। अब ये प्लगइन थोड़े टाइम में यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लगइन्स आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब प्लगइन्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इधर मैं न्यू कैंपिंग पे क्लिक करूंगा। और दोस्तों आपको पहले तो मैं बता देता हूँ ये वेबसाइट की खास चीज़ है, पहले आपको इसमें कैटेगरी बनाना होता है। कैटेगरी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा भी देता हूँ कैसे बनाया जाता है। समझिए, आपके पोस्ट में जाना है आपको, पोस्ट में जाके कैटेगरी पे जाना है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है, एक मेरे आईडी पे बना हुआ है। चलिए मैं एक मिनट, कैटेगरी इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी का आ गया, यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, जैसे कि मैंस वुमेंस लिखा है, मैं लिख देता हूँ बैग्स, ठीक है। आपको न्यूज डाल दीजिए, नहीं तो चलिए न्यूज ही लिख देते, न्यूज लिख देता हूँ मैं, न्यूज न्यूज, ठीक है। एंटर कर देना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर ऐड हो गया है, आप जैसे जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आपको यहीं आना है डब्ल्यू पी प्लगइन्स में, न्यू कैंपिंग।
तो दोस्तों देखिए, अब आपको यहाँ पर समझो मैं न्यूज़ का ले रहा हूँ, तो न्यूज़ डाल देता हूँ यहाँ पर, कोई भी न्यूज़ डाल दीजिए आप, WORLD वर्ल्ड न्यूज़ डाल के देख लीजिए, ठीक है, वर्ल्ड न्यूज़ डालना है। देखिए दोस्तों, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ डब्ल्यू को ईजी यूज़ कैसे करना मैं आपको नॉर्मली बताऊँ, उसको बाद में आप मैनेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर न्यूज़ की कैटेगरीज अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कहीं यहाँ न्यूज़ का कैटेगरी आ जाएगा ऊपर। थोड़ा सा नेट स्लो है उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर वर्ल्ड के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कैंपिंग टाइप, मैं न्यूज टाइप का बना तो फिट कर देता हूँ। तो फिट करने के बाद देखिए दोस्तों, एक और चीज यहाँ बता देता हूँ आपको, फिट क्या करना है, गूगल पे जाना है आपको, मैं फिट सर्च करने का तरीका बता देता हूँ। गूगल पे जाना है आपको, आपको वहां लिखना है RSS फीड्स, RSS फीड ऐसे डाल दीजिए, अब आपको बहुत सारे फीड मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर है, कोई भी आप क्लिक कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर प्रोसेसिंग या विकिपीडिया पे चले जाइए, आपको अनलिमिटेड फीड्स मिल जाएंगे। और फीड कुछ इस तरीके का दिखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखने मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं, जैसे कि समझिए सिर्फ साइट का ही रहता है, आपको कोई भी वेबसाइट के नीचे, जैसे कि समझिए अगर मैंने समझिए मैंने RSS मैंने कोई साइट ले लेता हूँ, जैसे कि CBC का, CBC न्यूज़ आपको एक करके दिखाता हूँ पूरी तरह। ठीक है, CBC न्यूज़ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है, तो सर वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, लेकिन आप इस चीज़ को पहले पूरा जब समझ जाइए कि मैं क्या करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, CBC का साइट ओपन हो गया है, इसको मैं एकदम नीचे चले जाता हूँ। देखिए नीचे आप जाने के बाद यहाँ पर RSS लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको। RSS ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे जो कि इस तरीके का होगा, आप लोग देख लीजिए। अब इसको सिर्फ कॉपी करना है और आपको इजीली जब ये कैंपिंग करते हैं इसमें आपको पेस्ट कर देना, आप जितना चाहे उतना लिंक पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर आ जाइए नीचे, अब इसको लिख दीजिए ऑटो डिटेक्ट फुल कॉन्टेक्ट, ठीक है, आपको इसे और कुछ भी नहीं छूना है, किसी को कुछ नहीं करना है। आप नीचे आ जाइए, हाँ यहाँ से डिलीट मार दीजिए, ये भी डिलीट कर दीजिए, नहीं तो ऐड आते रहेंगे जो कि पसंद नहीं होगा ना आपको ना मुझे, ठीक है। अब यहाँ आप पोस्ट है, आप कोई चीज़ छूना नहीं है, सबको वैसे ही रख देना है जो है, पब्लिश कुछ भी नहीं छूना है। नीचे कैटेगरी आ जाइए, अब मैंने कैटेगरी समझ लीजिए कोई भी सिलेक्ट, न्यूज़ का है तो न्यूज़ का ले लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, चलिए मैं मेंस का ले लेता हूँ या न्यूज़ का ले लीजिए, चलिए आपको जैसा जो अच्छा लगे, ठीक है। ठीक है, तो आप अब इसको ऊपर आ जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना है, इजीली पब्लिश पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रन स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है, अभी थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए कभी कभी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन आया है इसके ऊपर आपको रन पे क्लिक करना है, जो रन कैंपेन पे लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। लीजिए मैंने क्लिक कर दिया, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख के आ रहा है कि मैंने जो न्यूज़ था पब्लिश हो गया है। अब आपको मैं न्यूज़ दिखा देता हूँ मेरे वेबसाइट पे, इसको आपको रिफ्रेश करना है। देखिए दोस्तों, मेरा न्यूज आ चुका है 20। इस पर डायरेक्ट में क्लिक करके हम लोग जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे साइट पे ही अपडेट हो रहा है, अब डायरेक्ट हेल्थ एंड हॉलीडे मार्केट यहाँ पर सामने आ गया है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वेबसाइट का यूज़ करके अपने वेबसाइट पे कंटिन्यू, आप दोस्तों एक हमेशा हर 60 मिनट पे एक पोस्ट अपडेट होता रहेगा, तो आप ऐसा चाहे जितना चाहे उतना पोस्ट कर सकते हैं, एक बार आप करके छोड़ दीजिए उसके बाद वो कंटिन्यू अपडेट होता रहेगा, इसको मोनेटाइजेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता दोस्तों। नेक्स्ट टाइम मैं आपको वेबसाइट बाय से लेकर WP प्लगइन के एंड तक पूरा करके ऐसे बताऊंगा। मैंने ऐसे वेबसाइट अपने लिए खुद के बनाए भी हैं, मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ जो मेरे खुद के वेबसाइट्स है। एक कुछ इस तरीके से मैंने ऑटो प्लगइन्स का यूज़ करके बनाया है, आप देख लीजिए मेरे वेबसाइट को भी, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसे आप अर्न भी कर सकते हैं, वन टाइम सिर्फ आपको करना है, उसके बाद आपको फ्रीली छोड़ देना है, ठीक है। तो देख लीजिए ये मेरा खुद का वेबसाइट है, गोइंग वर्ल्ड न्यूज़, ये मैंने ऐसे ही बनाया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक पूरा वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, इसमें कैसे बनाना है, होम, बिजनेस, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ऐसे करके मैंने और भी वेबसाइट बनाया है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इस तरीके के साइट अप मैंने बनाया था, आपको समझेगा नहीं, मैंने अदर अदर लैंग्वेजेस को यूज़ करके बनाया था। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा। और प्लीज़ 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 दोस्तों आप लाइक कीजिए, मैं एम रखता हूँ लाइक सिर्फ 10 लाइक का, अगर 10 लाइक मुझे मिलता है तो मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।